तो यह है मोटो H50 Pro एंड मोटो ने बोला है इसमें दो मेजर पॉइंट है, फर्स्ट डिस्प्ले एंड सेकंड कैमरा। तो चलो देखते हैं। डिजाइन की बात करें तो काफी स्लिम फोन है, बहुत लाइट वेट भी है और आगे पीछे दोनों जगह से कर्व है। ओवरऑल होल्ड करने में काफी प्रीमियम फील है और ये थोड़ा लंबा फोन है तो इजी हैंड ग्रिप बन जाती है, लेकिन वन हैंड यूज करना थोड़ा मुश्किल होगा। और मोटो में मेटालिक फ्रेम भी मिलते हैं जो इस प्राइस में रेयरली किसी फोन में दिखता है। हाँ, स्लिम होने की वजह से एक कमी है, इसमें सिर्फ 4500 mAh की बैटरी है बस, लेकिन नंबर पे मत जाना, आगे समझाता हूँ क्यों। खैर, इसमें जो बैक पैनल है वो वीगन लेदर का मिलता है एंड मोटो ने इसमें भी कुछ अलग किया है, काफी सॉफ्ट सा और प्रीमियम टच देता है। लेकिन यहाँ पर बैक में लाइट कलर होने की वजह से ये काफी जल्दी गंदा भी हो सकता है, तो कवर जरूर लगा के रखना आप। लेकिन जो बैक कवर इसके बॉक्स में मिलता है ना, वो भी बहुत स्लिम है क्योंकि वो फोन के साइड्स को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाता है और कर्व डिस्प्ले वाला फोन अगर गिरा तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि सबसे पहले साइड्स जाती है इस फोन की। तो एक अच्छा सा बैक कवर और एक टेम्पर्ड ग्लास जरूर ले लेना। और एक इम्पोर्टेंट फीचर, इसमें IP68 की रेटिंग मिलती है, मतलब अगेन इस प्राइस में बहुत ही कम फोन है जो इतना अच्छा बिल्ड देते हैं। इसके अलावा इसमें डुअल सिम लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड का कोई भी स्लॉट नहीं मिलता है और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो थोड़ा सा डिले काम करता है फोन को अनलॉक करने में, मे बी अपडेट से फिक्स हो जाएगा। बाकी इसमें जो USB पोर्ट मिलता है वो 3.1 मिलता है, जिसकी हेल्प से आप फोन को डायरेक्टली टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, गेमिंग करते टाइम आप डायरेक्टली स्ट्रीम भी कर सकते हो और भी बहुत सारे काम आता है ये। चलो अब जो मोटो ने बोला है डिस्प्ले और कैमरे के बारे में, अब उसकी बात करते हैं। फर्स्ट डिस्प्ले, इसमें 6.67 इंच का पीओलेड डिस्प्ले मिलता है, वो भी 1.5K रेजोल्यूशन और 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। अगेन, कोई भी कितना भी महंगा फोन क्यों ना हो, बट फिर भी वो 120Hz तक ही दे पाता है और मोटो यहाँ पे 144Hz दे रहा है एंड सच में ये काफी ज्यादा स्मूथ चलता है। एंड ये डिस्प्ले जो है वो LTPO नहीं है तो 1Hz तक नहीं जाएगी, बस ये 60, 90 और 120Hz में ही ऑटो स्विच होती रहती है। वैसे एक SDR डिस्प्ले है और इसमें 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है। तो एक बात तो है, डिस्प्ले काफी अच्छी है इस प्राइस में। बाकी इसमें नेटफ्लिक्स में SDR सर्टिफिकेशन तो नहीं मिलता है और यूट्यूब में भी अगर HDR4 की वीडियो चलाओगे तो थोड़ा अटक अटक के चलती है। बाकी ये कोई डील ब्रेकर नहीं है, ये अपडेट से फिक्स भी हो जाता है, बट कंटेंट व्यू के लिए ये डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखती है क्योंकि बेजल्स इसमें दिखते ही नहीं है एंड क्लोज टू नेचुरल कलर ही निकालता है, बिकॉज ये जो डिस्प्ले है वैलिडेट है पेंटोन के साथ। लेकिन इसे क्लोज टू नेचुरल बनाने के लिए कलर मोड को नेचुरल में चेंज करना पड़ेगा, देन ये अच्छा वर्क करेगा। एंड नाउ अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो है कैमरा। तो इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है विद OIS के साथ और इसमें 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस भी मिलता है और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है जो मैक्रो का भी काम करता है। एंड एक TOF सेंसर मिलता है और ऑटो फोकस लाइट मिलती है जो इमेज को क्लियर एंड शार्प क्लिक करने में हेल्प करती है। और फ्रंट की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। एंड मोटो ने सच में 50 प्रो में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, पुराने जितने भी फोन है उनसे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है कैमरे को लेकर। कलर बहुत अच्छा है, शार्पनेस मस्त है, हाँ कभी कभार थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कलर में स्काई को लेकर, लेकिन बाकी सब बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इवन लो लाइट की इमेजेस अगर देखोगे तो नॉइज बहुत ही कम आती है एंड डिटेल्स भी अच्छी रहती है। इसमें जो प्राइमरी कैमरा है उसमें 1.4 अपर्चर है तो लो लाइट में भी काफी अच्छी इमेजेस निकाल लेता है। अब पोर्ट्रेट इमेजेस देखोगे तो वो भी बहुत अच्छी कैप्चर कर रहा है, ऑब्जेक्ट का एज डिटेक्शन देखोगे तो वो भी काफी सही है, कलर भी बहुत अच्छा है, इवन लो लाइट पोर्ट्रेट्स भी देखोगे तो वो भी काफी अच्छी है। 3x टेलीफोटो लेंस भी इस प्राइस के हिसाब से डिसेंट वर्क करता हुआ दिख रहा है, कोई भी इशू नहीं मिलेगी आपको। और पहली बात, इस प्राइस तो टेलीफोटो लेंस मिलता भी नहीं है जल्दी। एंड वीडियोस की बात करें तो 4K 30fps में सपोर्ट मिलता है और कलर, वाइट बैलेंस, शार्पनेस वो भी काफी सही है, मतलब मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है इस बार मोटो के कैमरे से। और इसकी स्टेबिलिटी अगर देखोगे तो वो भी ठीक ठाक मिल जाती है, अपडेट से ये इम्प्रूव हो सकती है। और हाँ, इसमें एक फीचर भी मिलता है, ये फोन जेस्चर को डिटेक्ट करता है, जैसे आप स्माइल करोगे या फोन की तरफ हाथ दिखाओगे तो ये ऑटोमेटिकली इमेज को क्लिक कर देता है आपके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए कैमरा काफी ज्यादा इम्प्रूव है इस बार। तो चलो अब प्रोसेसर की बात करते हैं। तो इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 चिपसेट, UFS 2.2 का स्टोरेज एंड LPDDR4X रैम। तो स्कोर अगर आप देखोगे तो वो भी काफी सही मिल जाते हैं इस प्राइस में, हाँ लेकिन इसमें CPU थ्रॉटलिंग होती है थोड़ी ज्यादा क्योंकि इसमें हीटिंग का इश्यू है। और स्टोरेज की स्पीड जो है वो 2.2 जैसी दिखती नहीं है क्योंकि मोटो ने बोला है इसकी जो 2.2 की स्टोरेज है हमने उसमें कुछ ऑप्टिमाइज किया है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो 3.1 के बराबर
बराबर आ रही है। और अब इसे टेस्ट करने के लिए नॉट सी 4 के साथ अगर कंपेयर किया तो सच में यार मोटो 3.1 जैसा ही परफॉर्मेंस दे रहा है। तो समझ जाओ कि आपकी मल्टीटास्किंग हो गई, जो डेली के यूजेस हो गए फोन के, वो आराम से कर देगा, क्योंकि इसमें 2.2 जरूर है लेकिन इसकी जो स्पीड है वो 3.1 के आसपास आ रही है। अब गेमिंग की बात करें तो BGMI में ना HDR एक्सट्रीम तक सपोर्ट मिलता है, और अगर गेम प्ले देखोगे ना तो TDM मैच पे आराम से 59-60 FPS के आसपास मिलता है, कहीं भी फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलते, बहुत ही अच्छा स्मूथ गेम प्ले होता है। और एरेंगल की बात करें तो वहां पर भी ना 55-60 FPS आराम से चिपक के मिल जाते हैं, कहीं भी कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलता है। हाँ, बहुत ही ज्यादा माइनर कुछ सेकंड के लिए फ्रेम ड्रॉप दिख सकता है आपको, लेकिन इतना ज्यादा नहीं दिखता है। तो आप जब गेम चालू करोगे ना खेलने के लिए तो स्टार्टिंग में थोड़ा जल्दी ये हीट जरूर हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक अगर आप गेम खेलोगे तो उतना ज्यादा हीट फील होता नहीं है। तो एक बात तो है, ये गेमिंग फोन नहीं है बट फिर भी काफी अच्छी गेमिंग करा रहा है। तो बहुत सारे लोग को बैटरी को लेकर भी कंफ्यूजन है, अब वो भी सुन लो। तो इसमें 4500 mAh की बैटरी मिलती है, और अगर आप 8GB वाला फोन लेते हो तो उसमें आपको 68W का चार्जर मिलेगा, और अगर आप 12GB वाला वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको 125W का फास्ट चार्जर मिलेगा। और अगर बैटरी चार्जिंग की बात करें तो 30 मिनट्स में 68W से फुल्ली चार्ज आराम से हो जाता है। और बाकी बैटरी बैकअप देखोगे तो थोड़ा शॉकिंग है, इस फोन में कम बैटरी होने के बाद भी नॉर्मल यूज करोगे तो आपको 9 घंटे तक आराम से स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है, मतलब एक दिन आपका पूरा आराम से चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और सुनो, इस फोन में आपको 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, तो अगेन इस प्राइस में कोई और नहीं देता ये। तो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो इसमें आपको एंड्रॉइड 14 आता है, वो भी मोटो के हेलो UI के साथ। मोटो इसमें 3 साल के OS अपडेट प्रॉमिस कर रहा है और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट प्रॉमिस कर रहा है, बट सही टाइम पे दे दो यार तो बढ़िया रहेगा। बाकी इसकी जो UI है ना वो काफी क्लीन है और फुल्ली फीचर पैक भी है, जैसे डिस्प्ले में विजेट्स को कस्टमाइज कर सकते हो और AI से वॉलपेपर जनरेट भी करा सकते हो, जो भी आप गैलरी से फोटो पिक करोगे उसके अकॉर्डिंग, लाइक हर बार कपड़ों से मैच करके आप वॉलपेपर बना सकते हो। लॉक स्क्रीन में भी कस्टमाइजेशन मिल जाता है, इसमें एज लाइटिंग का भी ऑप्शन मिलता है, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो ये एजेस ब्लिंक होने लगते हैं। और सबसे बेस्ट मोटो कनेक्ट, इस ऐप से आप कोई भी स्मार्ट मॉनिटर या TV के साथ फोन को कनेक्ट कर सकते हो वायरलेसली, और कंप्यूटर जैसा भी यूज कर सकते हो। और इसमें एक ऐप है Ready4 के नाम से, जिसे आप विंडो लैपटॉप के साथ इजिली कनेक्ट कर सकते हो इस फोन को, और दोनों डिवाइस के बीच में आप कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इवन आप अपने फोन को लैपटॉप से ही कंट्रोल कर सकते हो, फोन भले ही दूर रखा हो। तो ये सारे फीचर्स किसी दूसरे फोन में मिलना थोड़ा मुश्किल है। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 15 5G बैंड है, ब्लूटूथ 5.3 है, वाईफाई 6E है और NFC का भी सपोर्ट है। तो फाइनली बताऊं तो अंडर 30,000 ये फोन के लिए सिर्फ एक वर्ड है, जस्ट वाव। कैमरा इसका बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस इसकी डिसेंट है बाकी फोन के जैसे, और फीचर्स के साथ इसकी बिल्ड जो है वो भी बहुत सॉलिड है। तो बस यार आज इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। और मेरी वीडियो अगर यहाँ तक देख ली है और थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो भी चलती रहेगी और मैं भी चलता रहूंगा और आप लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।